कितना नंबर प्राप्त किए हैं ये पहले बताइए बच्चों को। यानी 467 नंबर आपने प्राप्त किया, कितना परसेंट हुआ? चलिए बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत ही प्यार से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ हम लोग को बहुत सबसे बात करनी है ना, तो इसलिए आराम से बात करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और मोबाइल थोड़ा सा आप डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका फ्रेम जो है ना वो कट रहा है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा मोबाइल आप डाउन कीजिए ताकि आपका जो ना चेहरा कट रहा है जो फ्रेम में, तो वो नहीं कटे। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो बताइए कैसा सफर रहा हम लोग के साथ? हाँ मतलब स्टार्टिंग से हमने एग्जाम से ज्वाइन किए थे, और एग्जाम से मतलब बहुत हेल्प हुआ आपके, बहुत सारे कोर्सेज थे विध्वंसक करके थे, और वो लास्ट में आया था क्रैशवर्क्स करके आपका, जी जी बिल्कुल, जो मोटिवेट करने का तरीका था ना, मतलब तबीयत खराब होती थी हम लोग को पढ़ाना एक सब्जेक्ट ही पढ़ा, तो वो बहुत मोटिवेट कर गया हमें। और ऊपर से आप जो एनसीईआरटी लेके पढ़ाते हैं जी जी बिल्कुल, वो जैसे हम लोग एग्जाम से एग्जाम दे रहे थे, तो लगा कि एनसीईआरटी बहुत बातें इम्पोर्टेंट है करेंगे। बच्चे के हाँ लिए, काफी जो ज्यादा उन्होंने बातें करनी है, पहले का टेंथ एग्जामिनेशन, तो ऐसा था उनको एनसीईआरटी तो करना ही चाहिए था। और अभी के जितने बच्चे हैं तो मैं चाहूंगा ना कि अगर वो बस कंटिन्यूटी बना के अच्छा से पढ़ता और एनसीईआरटी फॉलो करे, जी टीचर से इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, तो उनका हो जाएगा, हमसे भी अच्छा स्कोर करेंगे। जी जी तो एनसीईआरटी सबसे जो ना हम जो ना रोल अदा किया, और हम यही चाहते हैं शुरू से भी, हम बच्चों से यही बोलते आ रहे हैं कि भैया हमारे एनसीईआरटी छोड़ के आपको दूसरा किताब जो ना वो नहीं पढ़ने हैं। तो मेहनत, लेकिन आप लोग का मेहनत रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा ताकि हम यहाँ पे खड़े रह पाए, है ना, हर हाल में, है ना, आप लोग का प्यार रहा कि हम यहाँ पे खड़े रह पाए, अदरवाइज हम भी जो ना यहाँ पे खड़े नहीं रहते, आप लोग के चलते हम यहाँ पे हैं। ठीक है, मेरी पढ़ाई वैसे अच्छा इफेक्ट हुआ कि जो आप सर का नंबर दे रहे थे जी, वो बहुत हेल्प करते थे, जैसे हमें नोट ढूंढने में दिक्कत होता था। एक मिनट क्रिश बाबू, आवाज आपकी नहीं आ रही है शायद, एक मिनट रुक जाए, तो यूट्यूब पे शायद आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो, अच्छा अब आवाज आ रही है ना, मतलब अच्छा आवाज आपकी थोड़ी सी जो ना कट रही है, एक मिनट रुक जाइए आप ठीक हैं वहां से, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए आप, अब बोलिए। तो आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, आपकी आवाज YouTube पे नहीं जा रही है, इसलिए बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज कम है, इसलिए हम कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। बोलिए तो हेलो, हेलो सर, हेलो, अब क्लियर है, चलिए। हाँ ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे अपने एनसीईआरटी पे, है ना, तो एनसीईआरटी हम लोग को जो है ना फॉलो करना है, और सबसे बड़ी चीज की हम लोग को हाँ, कंटिन्यूटी थोड़ी बना के रखनी है। कंटिन्यूटी बना के रखनी आपको होल ईयर आपके साथ, मतलब इतना आपका जो एनसीईआरटी है और थोड़े बहुत आप जो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं ऐप जी पे, तो उतना ना एग्जाम टॉप करने के लिए आपको सफिशियंट है, आप उतना पढ़ के एग्जाम टॉप कर सकते हो। जी जैसे मुझे भी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, पटना गया था मैं बोर्ड ऑफिस, तो जी वहां भी जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से ही थे और सिंपल क्वेश्चन जी 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 तो बिल्कुल हम लोग उसी हिसाब से पैटर्न का, मतलब वो पैटर्न हम लोगों ने बनाया ही है, और पिछले 3 सालों से हम लोग जो ना टॉप 10 में रहे हैं। खैर किसी कारण बस अगर हम लोग इस बार चूक गए तो खैर फिर हम लोग ट्राई करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन आप लोग का उम्दा हाँ प्रदर्शन रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा निराशा हासिल है ना वो हुई है, लेकिन खैर फिर भी हम खुश हैं, काफ़ी उम्दा प्रदर्शन रहा आप लोग का, मेहनत रहा, आप लोग का सपोर्ट लेकिन रहा। जी जी सर, आने वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा ना कि इस बार एग्जाम्पलर ने टॉपर नहीं दिया, इसके लिए आप लोग सैड मत होइएगा कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते, अगली बार आप लोग हमसे बेहतर करेंगे, जी बिल्कुल बस बिल्कुल आप फॉलो करते रहिए, जी एग्जाम्पलर को फॉलो करते रहे, और टेस्ट सीरीज जो आप लगाते हैं सर उसको फॉलो जरूर करें, टेस्ट सीरीज जरूर दें। जी जी क्योंकि उससे जो ना आपका समय का जो ना मैनेजमेंट आपको सबसे अच्छा जो ना वो हो हाँ जाता है, जो अंदर डर रहता है वो डर जो ना हाँ वो खत्म हो जाता है, ये सारी चीजें जो ना वो होती है। हाँ तो
बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि बच्चे जो ना वो लास्ट में हमारे साथ जो ना आके जुड़ते हैं कि सर हमारे पास जो ना थोड़ा सा बता दीजिए कैसे जो ना VBI जो ना वो बता दीजिए ताकि हम पास कर जाएं, ऐसे कर जाएं, तो उससे तो खैर नंबर मतलब पास तो कर जाएंगे लेकिन आपको अच्छा नंबर जो ना वो नहीं मिल हाँ पाएगा। तो नहीं मिल पाएगा। हम यही कहते हैं कि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते चलिए, और आप लगातार पढ़ते चलिए और रेगुलर पढ़ते चलिए, तो आपको बोझ नहीं बनेगा कभी भी पढ़ाई आपके लिए। हाँ और कंटिन्यूटी बिल्कुल रेगुलर। बिल्कुल लास्ट में जो ना वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और जैसे क्रिश बाबू ने हाँ नंबर लाया 467 नंबर, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा, और आप लोग के कारण हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल पाते, पहला चीज ठीक है ना। तो आप लोगों ने थैंक यू। बहुत ही मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत मेरे साथ जो ना रात भर जग के आप लोगों ने पढ़ाई की, बहुत ही मेहनत किया, हमारा तो बस एक मार्गदर्शन रहा आप लोगों का कि हाँ आप लोग ऐसे करो वैसे करो, मेहनत तो आप ही लोगों हमारे ने साथ आप भी जगे थे सर, तो वो तो मेरा बस आपका भी उतना मार्गदर्शन, ही कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बिल्कुल वो तो मेरा मार्गदर्शन रहा कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लें, है कि नहीं है। तो हमें बस यही चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कि मतलब आप लोग अच्छा कर लो, आप लोग अच्छा कर लो, थोड़ा सा है। अच्छा कर लो, लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। हम हमेशा यही सिखाएं आप लोगों को कि बस कुछ भी हो एक अच्छा इंसान बनना है जिंदगी में, बस यही ना, एक सर मैं अच्छा एक चीज इंसान। कहना चाहता हूँ यस सर, कि जितने अगर बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, जो दोस्त मेरे भाई बहन, तो उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा ना कि मैंने ऑनलाइन से ही पढ़ाई करी थी। ऑफलाइन बस मैं बहुत कम गया था, ऑनलाइन से ही मैंने पढ़ाई करी थी ज्यादातर अपनी और एग्जाम पे ऐसे। हाँ बस ये था ना कि मैंने हार्डवर्क बहुत किया था और मैं स्कूल भी नहीं जाता था, और हार्डवर्क मैंने एग्जाम्पलर जैसे आप लोग गाइड करते थे, फुल आपके गाइडेंस में मैंने पढ़ाई करी थी। ऐसा किसी को लगता है ना कि उसे ट्यूशन की जरूरत है, तो नहीं ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन एग्जाम्पलर के साथ जुड़ के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं और मेरे से भी जी ज्यादा अच्छा मार्क्स जी गेन जी जी कर जी सकते हैं। जी हम तो हमेशा से कहते हैं कि जब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ऑफलाइन के चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़ें, ऑफलाइन को छोड़ हाँ दें। ये सही है। हम तो हमेशा कहते हैं क्योंकि आप हाँ दो जगह जाओगे तो दो जगह आपका समय तो एक बर्बाद होगा ही होगा, प्लस में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वहां के सर का कॉन्सेप्ट क्या है, आप दोनों में गोल मटोल कर जाओगे, फिर घूम जाओगे, बिल्कुल ये हाँ मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा सा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो भी करो वन साइडेड करो, अगर आप हमारे साथ पैसा दे के जुड़ गए हो तो फिर दूसरा जगह पैसा क्यों देना, है कि नहीं, हाँ सबसे बेहतर चीज यही होता है। तो हम हमेशा यही कहते आए हैं शुरू से ही बच्चों लेकिन को। एक बात का दुख है, आपने मैथ्स पे उतना वर्क किया था, मुझे लगा था मेरा मैथ्स में 100 out of 100 आएगा, लेकिन 99 ही आया। इसके लिए मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ। चलिए कोई बात नहीं, उतना नंबर आया हम संतुष्ट हैं, आपके नंबर से बहुत खुश हैं, और आगे भी काफी सारे बच्चे जो है ना वो दे गए हैं, बात हम उनसे करते हैं, बारी बारी से कॉल भी आ रहा है काफी सारे बच्चों का, ठीक है। तो चलिए क्रिश बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, घर में सब कोई खुश है, हाँ सब सब कुछ खुश है सब। थोड़ा सा होगा कि थोड़ा सा नंबर से हम लोग टॉप 10 से रह गए हाँ, वो तो है। थैंक चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर बातें होती रहेंगी, ठीक है, यू सर। चलिए, थैंक यू, नमस्कार। अब अगले कॉल में कौन आ रहे हैं, थोड़ा सा देखा जाए, काफी सारे कॉल्स तो आ रहे हैं।